अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद और वेलकम करता हूँ आपको मैं मैसिव ट्रेंड चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 7, 8, 8.1, विंडोज 10 ऑल वर्जन के एक्टिवेट करना सिखाऊंगा बिना एक्टिवेशन की के, प्रोडक्ट की के, बिना किसी टूल किट को इंस्टॉल किए, ना ही किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बगैर। हम तो अगर हमने अपने कंप्यूटर में कोई वॉलपेपर वगैरह चेंज करना होता है या कुछ भी लगाना होता है, पर्सनलाइजेशन करनी होती है, ये वाली पर्सनलाइज करने के लिए हमें विंडो एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। मेरी विंडो एक्टिवेट नहीं है, मैं आपको शो कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में जाकर। देखिए नीचे भी लिखा हुआ था विंडो डिसेंट एक्टिवेटेड, एक्टिवेशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर। ये वाली मेरी विंडो एक्टिवेट नहीं है, तो इसे एक्टिवेट करने का बहुत इजी तरीका है। इस पहले हमने अपना क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करना है हमने, अभी टाइम लगेगा काफी इस पे, तो मेरा कंप्यूटर को ज्यादा फास्ट नहीं है तो इस पे काफी टाइम लगेगा। क्रोम पे जाकर आपने कुछ सर्च करना है तो आपको सामने एक कोड आएगा, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है बिट लाई विंडो स्लैश, बिट लाई के बाद स्लैश विंडोज TXT। ये सर्च करने के बाद आपने एंटर कर दबा देना है। अगर आपने इस पहले लिंक पर क्लिक कर देने हैं विंडोज एक्टिवेट MS गाइड्स, जिस सामने आप कोड आ गया आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है। आप कंप्यूटर एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसे अपने माउस के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर हम इसे कॉपी करने हैं, आप कंट्रोल प्लस इसे भी कॉपी कर सकते हैं। इसे कॉपी करने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऊपर जाइए और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लीजिए। इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर उस सारे टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद आपने फाइल के अंदर जाना है, सेव एज करेंगे, सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर जाना है। डेस्कटॉप के अंदर जाने के बाद आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम रखता हूँ विंडोज, कुछ भी। अब नाम रखने के बाद आपने .cmd जरूर लिखना है। आपने कुछ भी नाम लिखने के बाद, जैसे मैंने विंडोज लिखा है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने .cmd जरूर लिखना है, बाकी सारा कुछ यही होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये वाला ही होगा और ANSI होना है। उसके बाद आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद इसे आप क्लोज कर दीजिए और आपके सामने ये विंडोज के नाम का या किसी भी नाम का जो आपने नाम रखा होगा उसके नाम के यहाँ पर एक फोल्डर आ जाएगा। इसके ऊपर हम राइटली करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी विंडो लिखे, विंडोज 7 प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल ई, इंटरप्राइज, इंटरप्राइज एंड इंटरप्राइज ई, कोर, कोर सिंगल लैंग्वेज, कोर सिंगल लैंग्वेज, बहुत सारी है यहाँ पर। विंडोज 10 8 भी है, होम भी, बहुत सारी है यहाँ पर। तो ये जो टेक्स्ट कॉपी किया ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टेक्स्ट मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट क्रोम पर जाके भी इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई आता है द कनेक्शन टू द सर्वर फेल्ड, ये आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिए, ये आता रहेगा। तो प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, देखिए हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है, हमारी विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। देखिए कितना इजी प्रोसेस था, यहाँ पर आप इसे नो भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं, एन दबा दीजिए और ये अपने आप बंद हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। ओहो, गलती से सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अपडेट सिक्योरिटी पे एक्टिवेशन में जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गया विंडोज इज एक्टिवेटेड, देखिए कितना इजी प्रोसेस था विंडो एक्टिवेट करने का। तो आप भी अपनी विंडो इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं, वो बहुत इजी मेथड है। विंडोज 7 प्रो भी हो जाती है, इंटरप्राइज भी हो जाएगी, होम भी हो जाएगी, विंडोज 10 होम, 8.1 भी हो जाएगी, 8 भी हो जाएगी, 7 भी हो जाएगी, विंडोज 10 भी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा ये प्रोसेस है, आपको कोई टूल की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये किस्म का जुगाड़ है, और हो सके तो आप ओरिजिनल CD लेकर विंडो इंस्टॉल करें, लेकिन अगर आप ओरिजिनल CD अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये आम 30-50 की DVD लेते हैं तो आप ये वाला प्रोसेस ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप ये वाला इस तरह एक्टिवेट करते हैं विंडो, तो आप विंडो को अपडेट ना कीजिएगा,
जैसे कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, हम क्रोम के अंदर जाते हैं। क्रोम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं विंडोज 10 डाउनलोड। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज। जैसे कि इसके अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा, अपडेट ना कुछ भी आएगा ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड में लग जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी विंडोज अपडेट में लग जाएगी। ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा ये अगला प्रोसेस करके। अगर आप इस तरह विंडोज अपडेट करते हैं तो आपकी विंडो उड़ जाएगी कंप्यूटर में से, क्योंकि हमारी ये विंडो कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से कोई एक्टिवेशन की नहीं आई हुई है। दूसरा तरीका है, हमने कमांड प्रॉम्प्ट मोड से अपनी विंडो को एक्टिवेट किया है, बहुत इजी मेथड है। इसके बाद मैं अपनी विंडो को डिसएक्टिवेट करने की भी वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के इतना ही, अब इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और आप इस तरह विंडो के दो फोल्डर डिलीट भी कर सकते हैं।